हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो दो इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करने से चार्ज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये रब करने का मतलब होता है हम फ्रिक्शन करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसीलिए हमने उसका नाम दिया था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो चार्ज होता है उसको मेज़र करने के लिए कि कौन से टाइप का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो हम देखने के लिए, पता लगाने के लिए एक डिवाइस हमने देखा था। वो डिवाइस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। हमने यहाँ पर देखा था कि इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, और लास्ट लेक्चर में बात हुई थी पॉजिटिव चार्ज क्या होता है एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है। आज हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या होता है एंड इंसुलेटर क्या होता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि कंडक्टर जो मटेरियल होता है ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, पास मीन्स उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है। किस में से? तो कंडक्टर में से। हाँ, एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कौन सा, तो मोस्टली मेटल जो होते हैं वो सब होते हैं कंडक्टर होते हैं। ह्यूमन बॉडी वो भी कंडक्टर होती है, और अर्थ वो भी एक अच्छा कंडक्टर है। तो सिंपल हम एक वर्ड में बोल सकते हैं कि जो मटेरियल अपने में से करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को फ्लो होने के लिए अलाउ करता है, परमिशन देता है, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। अब उसके बाद आती है कि इंसुलेटर क्या है। तो ये करंट को या चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए परमिशन नहीं देता है, एलो नहीं करता है, तो डज नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल में है वुड ले सकते हैं, प्लास्टिक ले सकते हैं और ग्लास और नाइलॉन। ये जो सब एग्जांपल है वो बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं वो इंसुलेटर के एग्जांपल हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने स्टडी किया, ये करंट को चार्ज को फ्लो होने देता है, और उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं। इंसुलेटर क्या है? तो इंसुलेटर चार्ज को फ्लो होने के लिए, पास होने के लिए एलो नहीं करता है, उसके भी यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है। अब हम ये देखेंगे कि कंडक्टर के पास ऐसा क्या है और इंसुलेटर के पास ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और ये वाला नहीं होने देता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि दो इंसुलेटिंग मटेरियल को रब करने से चार्ज जनरेट होता है, मीन्स चार्ज एक दूसरे पर आता है। तो मेटल में क्यों नहीं आता है? मेटल में इसीलिए नहीं आता है कि जब मेटल का रॉड हम लेते हैं और इसको जब भी हम रब करेंगे तो यहाँ पर चार्ज जनरेट होते हैं, लेकिन यहाँ से हमारी बॉडी से ग्राउंड हो जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं कि चार्ज लीकेज हुआ। चार्ज का क्या हुआ? लीकेज हुआ। अब हम देखेंगे ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग क्या होता है। तो ग्राउंडिंग और अर्थिंग जनरली हमारे घर पे होता है। हम कैसे ये क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है ये,
तो जब भी हमारे जो भी डिवाइस है, जितने भी हमारे घर पे डिवाइस है, टीवी है, फ्रिज है, सब पर कभी कभी एक्सेस चार्ज मीन्स कि चार्ज लीक होके फ्रिज की बॉडी पर या टीवी की बॉडी पर आ जाते हैं। जब हम उसको टच करते हैं तो वो हमें शॉक लगता है। तो वो शॉक ना लगे और जो जो फ्रिज पर जो एक्सेस चार्ज आए हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने के लिए तरीका क्या होता है, तो अर्थिंग का तरीका होता है कि हमारे घर पे जितने भी डिवाइस है सबको हम एक वायर से कनेक्ट करते हैं, और वो वायर के साथ एंड एक ये वो वायर का एंड है उसके हम मेटल की प्लेट लगाते हैं और हम जमीन में उसको खड्डा करके इसमें रख देते हैं। वो हो गया अर्थिंग। तो अर्थिंग जितनी भी मोस्टली अब जितने भी बिल्डिंग होते हैं हमारा घर पे ये अर्थिंग किया जाता है। तो ये अर्थिंग करने से हमें ये फायदा होता है कि हमें शॉक नहीं लगता है और ये हमारे लिए सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है। अब एक मैच लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो बॉडी को चार्ज किया जाता है कैसे चार्ज किया जाता है, तो रबिंग से चार्ज किया जाता है वो हमने देखा था। और दूसरा अब मेथड आ रहा है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब दूसरी मेथड है चार्ज करने के लिए चार्जिंग बाय कोई भी बॉडी को चार्ज करने के लिए मेटल की बॉडी होती है उसको चार्ज करने के लिए हमारे पास ये दूसरा मेथड है। इंसुलेटिंग बॉडी के लिए हमने देखा था बाय रबिंग मेथड। ओके, ये दूसरा मेथड है कि ये हम इंडक्शन की मदद से या हम चार्ज को क्या करेंगे रखेंगे। ये दूसरी मेथड है इंडक्शन मेथड। तो हमारे पास दूसरी मेथड है चार्ज को लाने के लिए इंडक्शन मेथड। हम देखेंगे कि ये इंडक्शन मेथड कैसे काम करती है और ये मेथड से हम चार्ज कोई भी बॉडी पर कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना, ध्यान से देखना कि मुझे क्या करना है, चार्ज लाना है। ओके, कैसे लाएंगे, तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये मेटल का एक स्पीयर है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ए। यहाँ पर दूसरा मेटल का स्पीयर है जिसका नाम मैं दे रहा हूँ बी। यहाँ पर ये यहाँ पर उस दोनों को रखा है, ये इंसुलेटिंग है, ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है मीन्स नॉन कंडक्टिंग स्टैंड मीन्स यहाँ से चार्ज ग्राउंड नहीं हो सकता है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड है। अब ये जो स्पीयर है किसके है, तो मेटल के है, तो ये मेटल स्पीयर है, ये भी मेटल का स्पीयर है। अब ये जो मेटल के स्पीयर पर नेट चार्ज 0 है। अब नेट चार्ज का मतलब क्या होता है, तो देखो नेट चार्ज का मतलब ये होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है ये स्पीयर पर इतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, इसीलिए चार्ज की कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों मिलते हैं तो इफेक्ट क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्लस चार्ज होंगे, मान लो यहाँ पर इतने पॉजिटिव चार्ज हैं तो इतने ही सामने नेगेटिव चार्ज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर ये नेट चार्ज क्या हो जाता है, चार्ज का सिंबल है Q, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ पर भी जितने पॉजिटिव है इतने ही यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। अब ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये दोनों को अब मैं कांटेक्ट में ला रहा हूँ। तो ये स्पीयर ए और ये स्पीयर बी दोनों एक दूसरे के क्या है, कांटेक्ट में है। यहाँ पर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज क्या है दोनों का, नेट चार्ज दोनों पर क्या है, 0 है। Q इज इक्वल टू 0 मीन्स जितने यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे इतने ही इसमें नेगेटिव रहेंगे। अब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला मीन्स ग्लास रॉड उसके नज़दीक लेके आ रहा हूँ। अब हमें पता है कि जो ग्लास का रॉड होता है
उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला जो ग्लास रॉड है वो ये दोनों कांटेक्ट में है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई किसको अट्रैक्ट कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हो गए, इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। क्यों आ गए यहाँ पर? तो अट्रैक्शन की वजह से। और ये नेगेटिव, ये जो रॉड है नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसमें कुछ चार्ज पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेगा? रिपल भी करेगा, और वो यहाँ से जितने हो पाए इससे पॉजिटिव, इतना ये पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाते हैं, और बाकी के जो रहेंगे वो ये प्लस माइनस करके नेट चार्ज वो जीरो रहेगा। तो कुछ चार्ज यहाँ पर आएंगे नेगेटिव, कुछ और इसके रिपल्जन की वजह से कुछ चार्ज सामने चले जाएंगे, और बाकी के तो जो है प्लस माइनस मिले रहेंगे, जिसको जिसका नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। तो हम इसकी बात नहीं करने वाले, इसीलिए इसको मैंने साइड कर दिया। अब मैं ये दोनों को, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, अब मैं ये रॉड को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, और ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था वो मैं हटा दिया मैंने। ये दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था वो मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको कांटेक्ट को मैंने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, अब ये जो रॉड है उसको मैं अब हटा देता हूँ। तो क्या रहेगा यहाँ पर? अब ये जो रॉड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ? रिमूव कर रहा हूँ। तो ओनली यहाँ पर दो स्पीयर ही बचेंगे, और जिसके पास कौन सा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, और इसके पास कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन वो वापस नहीं जा पाएंगे, वापस ये दोनों नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट हमने निकाल दिया, इसीलिए ये रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे पूरे स्पीयर में, ये नेगेटिव आ जाएंगे, और यहाँ पर पूरे स्पीयर में पॉजिटिव क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो पहले देखो यहाँ पर चार्ज नहीं था, चार्ज नहीं था मीन्स नेट चार्ज क्या था? ज़ीरो था। अब यहाँ पर नेट चार्ज है वो ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर हम बोलेंगे ये बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और बाजू वाली बॉडी में, ये वाली बॉडी में नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे इंडक्शन मेथड, और ये जो मेथड है कॉन्टैक्ट वाली मेथड नहीं है, रबिंग वाली। लास्ट में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में, रब करने से मीन्स कॉन्टैक्ट से हम चार्ज को लाते थे, ट्रांसफ़र करते थे। यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, देखो ये रॉड को मैंने कॉन्टैक्ट नहीं किया है। तो फाइनली हमारे पास पहले चार्ज नहीं था, और ये सब प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गए। उसको हम बोलेंगे कि चार्ज यहाँ पर क्या हो रहा है? तो चार्ज इंड्यूस हो रहा है। ये चार्ज को हम क्या बोलेंगे? ये चार्ज इंड्यूस हुआ। यहाँ पर हम प्रोड्यूस नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ये चार्ज बनाए नहीं गए, ये चार्ज को हमने यहाँ से, ये मेथड से अलग किया है चार्ज को। तो ये चार्ज को हम बोलेंगे इंड्यूस चार्ज, और ये मेथड है चार्ज, जो चार्ज हम लाते हैं इंड्यूस करते हैं, उसको हम बोलेंगे इंडक्शन मेथड। अब हम चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हमने अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम फ्रिक्शन की रबिंग मेथड से, और दूसरी ये इंडक्शन मेथड से चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब और भी उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, वो हम देखेंगे। कौन सी और प्रॉपर्टी है? तो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, चार्ज कंजर्व्ड होता है, और चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। ये तीनों जो और एक्स्ट्रा ये प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे। अब हम देखेंगे फर्स्ट की एडिटिविटी, मीन्स चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, दो चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? कि हमारे पास 5 पॉजिटिव चार्ज है और 5 नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज क्या हुआ?
तो दोनों को हम बताएंगे कि नेट चार्ज, हमने अभी नेट चार्ज के बारे में बात किया, तो नेट चार्ज क्या होता है, तो नेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू दो चार्ज का एडिशन। तो फाइ ई साइन के साथ करना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका माइनस आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का और ये नेगेटिव, तो ये नेट चार्ज क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो हम ये चार्ज को ऐसे ऐड कर सकते हैं विथ साइन के साथ। तो ये जितने भी हम चार्ज होंगे कोई भी बॉडी पर, टोटल चार्ज कितना होता है, तो टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, मान लो कि एक बॉडी है, इस पर Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्ज है, तो ये टोटल चार्ज कितना हुआ, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू सबका एडिशन, Q1 Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn हो सकता है। इसमें कोई पॉजिटिव हो चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो साइन के साथ पॉजिटिव रखना है, और नेगेटिव चार्ज है तो आपको साइन के साथ मीन्स नेगेटिव साइन आपको रखनी है। तो ये प्रॉपर्टी हुई एडिटिविटी की, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास इंटीग्रल जो नंबर होते हैं जो ऐड करते हैं प्लस माइनस, ऐसे यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज कंजर्व्ड होता है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, मींस कि टोटल चार्ज ऑफ एनी इंसुलेटिंग या आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट। उसका मतलब कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मान लो ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आइसोलेटेड बॉक्स है, यहाँ पर मैंने एक चार्ज रखा है, वो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मान लो कि एक यहाँ से फोटोन मीन्स गामा रे है, ये गामा रे यहाँ से एंटर हो सकती है और वो अंदर आके चेंज, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में क्योंकि ये जो गामा रे किससे बनती है, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन से बनती है, तो ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में अलग हो गई तो कोई भी सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम में ये कांस्टेंट रहता है, चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इसका नेट चार्ज क्या था गामा रे का, तो नेट चार्ज जीरो था। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, प्लस ई चार्ज, दोनों को मिलाओ तो इसका नेट चार्ज फिर से क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई रे या पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका जो वो पार्टिकल पर जो चार्ज होगा वो चेंज नहीं होगा, तो उसका जो टोटल चार्ज है क्या रहेगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। ये पूरी यूनिवर्सल के लिए सही है, पूरी यूनिवर्सल में जितने भी चार्ज है वो कंजर्व रहते हैं, नए नहीं बनाए जाते और वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में आपको पता चला होगा, जैसे और भी है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, और एक और भी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, कोई भी सिस्टम में जो चार्ज होता है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहता है। अब लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, लास्ट जो चीज है कि चार्ज कैसा होता है, क्वांटाइज होता है, तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज होता है, तो चार्ज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज या फंडामेंटल चार्ज, बेस चार्ज
बेस चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो, तो चार्ज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेस चार्ज, तो कोई भी चार्ज इंटीग्रल नंबर मीन्स एन के मल्टीपल में कौन ई, ये तो ये टोटल चार्ज होता है। यहाँ पर देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, चार्ज मीन्स ये चार्ज, सॉरी ये चार्ज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, तो देखो इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स एन, इंटीग्रल मीन्स एन किसके मल्टीपल में है, ई के मल्टीपल में, तो ये हो गया टोटल चार्ज। तो हमेशा जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या बेस चार्ज होता है। अब ये एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो इंटीग्रल नंबर क्या होता है, वन टू अप टू एन। तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि n इज इक्वल टू 1.5, हाँ यहाँ पर फिर से हम देखेंगे कि अगर q n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1e हो गया, तो हमें एक चार्ज मिल रहा है। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2e मीन्स यहाँ पर दो चार्ज मिल रहे, q इज इक्वल टू 2e हुआ मीन्स बेस चार्ज के मल्टीपल में 2 जितना चार्ज हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर q इज इक्वल टू हम 3 रखेंगे तो हमें बेस चार्ज के कितने बेस चार्ज बराबर चार्ज मिल रहा है, हमें 3 बेस चार्ज के बराबर हमें मिल रहा है। हम ये नहीं लिख सकते कि मेरे पास n इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू 1.5 2.5 या 2/2.7 ऐसा कोई नंबर मैं नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूँगा तो n इज इक्वल टू 1.5e हो गया, तो ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। उसका मतलब कि आपको चार्ज मिलेगा, एक चार्ज मिल सकता है, उसके बाद डायरेक्ट आपको दो चार्ज मिलेंगे, 2e मिलेगा, उसके बाद आपको 3e मिलेगा। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 2.5 चार्ज आपको मिला, ओके। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन। फिर से बोल रहा हूँ कि चार्ज हमेशा ई के मल्टीपल में मिलता है, और ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है कि इंटीजर मल्टीपल में मिलना, उसका नाम हमने रखा है क्वांटाइजेशन। तो चार्ज कौन सा लॉ ऑब्वे करता है, क्वांटाइजेशन वाला रो ऑब्वे करता है। तो आज हमने क्या स्टडी की, तो आज हमने स्टडी की कंडक्टर इंसुलेटर क्या होता है, करंट को पास करता है, ये इंसुलेटर होता है करंट को पास नहीं करता है, उसके कुछ एग्जांपल भी हमने दिए थे। ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या, दोनों नाम एक ही है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या होता है, तो कोई भी मेटल की बॉडी पर एक्सेस चार्ज आ जाते हैं वो रिमूव करने के लिए हमने एक वायर निकालते हैं, ज़मीन में डाल देते हैं उस वो वायर को, और वो उसको हम बोलेंगे अर्थिंग हुआ, अर्थिंग किया हमने। चार्जिंग बाय इंडक्शन हमने ये भी हमने देखा कि कैसे हम चार्ज को बिना कॉन्टैक्ट वाली मेथड से चार्ज को इंड्यूस कर सकते हैं, चार्ज को बॉडी पर ला सकते हैं, उसको हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी हमने देखेंगे, हाँ एक प्रॉपर्टी तो हमने देख ली कि चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है। अब उसके बाद और भी उसके पास प्रॉपर्टी है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो आपको साइन के साथ ऐड करना है। कंजर्व्ड चार्ज कंजर्व होता है, मींस कि चार्ज को कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज फिक्स रहता है, हाँ उसको पार्टिकल डिस्ट्रॉय हो सकता है लेकिन पार्टिकल पर रहने वाला चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो पूरी यूनिवर्स में जो चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा पॉइंट है क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि चार्ज जो हमें मिलता है टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई बेस चार्ज मीन्स। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 ऐसा अप टू एन तक आप ले सकते हो, हाँ आप 1.5 या ऐसा कोई नंबर नहीं ले सकते हो। उसका मतलब कि एक चार्ज मिलेगा, उसके ये वन यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर टू रख सकते हो, यहाँ पर थ्री रख सकते हो, इंटीजर कोई भी नंबर आप रख सकते हो। ये वाली जो प्रॉपर्टी जिसके पास होती है उसका हम फिर स्पेशल नाम है क्वांटाइजेशन। तो ये यहाँ तक हमने ये पढ़ा, और भी हम लेक्चर यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। और ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई 100% दूंगा। और भी यहाँ पर फिजिक्स के वीडियो आने वाले हैं ये चैनल पर,
तो आप इसको सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग सच वीडियो।